मैं यूजुअली जो भी काम करता था इसमें कोई कंटिन्यूअस में चीज़ों में कंसंट्रेट करके काम नहीं कर पाता था। जब से मैं जुड़ा हुआ मुझे लगा कि हाँ कोई चीज़ में एक बार ठान लेता हूँ कि उसमें कंटिन्यूअस इसमें लगे रहता हूँ और बार बार मुझे उस चीज़ में विड्रॉ करना नहीं पड़ता। मैं विक्रम नायक हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ बट गुड़गांव में मैं रहता हूँ। मेरे एक दोस्त की कहने पर मैंने नवंबर 2021 में ऋषिकेश गया था, जो 5 डेज की कुछ कैंप था। उसके बाद मैंने जुड़ा हुआ हूँ बट मैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम लास्ट 2 ईयर्स मैं इधर आ रहा हूँ, आपकी कैलाशपुरी करताल में आ रहा हूँ। इधर मैं महापिरामिड में मैं भी इधर ध्यान करता हूँ, प्लस सरस्वती प्रांगणम में ग्रुप मेडिटेशन डेली करता हूँ। और मुझे बहुत समथिंग फील हो रहा है कि जब ध्यान में बैठते हैं समथिंग बॉडी को हमें भूलना पड़ता है एंड समथिंग न्यू सर्किल में हम आ जाते हैं और इतना डीप थॉट में चले जाते हैं कि फिजिकल बॉडीज के बारे में कुछ हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम फिजिकली हम कुछ रहे। फिर टाइम टू टाइम जब उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन में कहते हैं कि आप आंखें खोलो और समथिंग, जो गाइडेंस के बाद हम फिर रिटर्न आते हैं, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लस मैं समथिंग मेरे स्वभाव में भी कुछ चेंज हुआ कि समथिंग मैं चिड़चिड़ापन रहता था, एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। और ऐसे ही मेरा कोई, मैं उड़ीसा की होने के नाते यूजुअली हम लोग नॉनवेज खाते रहते हैं बट लास्ट 1.5 ईयर या 2 साल से मैंने ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था कि ध्यान करूँ इसलिए छोड़ूंगा, बट ऐसे मेरा कोई नॉनवेज का तरफ कोई अटेंशन जा नहीं रहा है। मैंने 2 साल से खा नहीं रहा हूँ, 1.5 ईयर से मैं कभी यूज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मुझे लगा कि हाँ समथिंग पॉजिटिवनेस मेरा बहुत बड़ा हुआ है और एग्रेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। पिरामिड का नीचे जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते रहते हैं उसमें लगता है कि जनरल घर में मेडिटेशन इसमें बहुत काफ़ी डिफरेंसेस है और हमें कुछ टाइम का पता नहीं चलता कि हम कितना टाइम मेडिटेशन बैठे हुए हैं और इसका कोई डीप डाइव होता है इसमें। मैं यूजुअली जो भी काम करता था इसमें कोई कंटिन्यूअस में चीज़ों में कंसंट्रेट करके काम नहीं कर पाता था। जब से मैं जुड़ा हुआ मुझे लगा कि हाँ कोई चीज़ में एक बार ठान लेता हूँ कि उसमें कंटिन्यूस इसमें लगे रहता हूँ और बार बार मुझे उस चीज़ में विड्रॉ करना नहीं पड़ता, उसी में लगे रहता हूँ और मुझे सक्सेस मिलता है। यूजुअली मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था कि भाई आप हम सारे बैठते हैं बट मैं उन्हें इधर मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो भी नॉन वेजिटेरियन है तो मुझे ज़्यादा जब तक मेरा फर्स्ट ये कि पहले मैंने वेजिटेरियन का कन्वर्ट करूँगा फिर जाके उन्हें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करूँगा कि आप ध्यान में आइए। पत्री जी इनकी है कि फर्स्ट है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी वेजिटेरियन, उसके बाद आपने जो भी ध्यान जगत है लोगों को प्रचार करना है कि वे ध्यान की प्रचार प्रसार के लिए उनकी इन्फ्लुएंस है, प्लस जैसे नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन में कन्वर्ट करना, इस चीज़ के लिए भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलता है। और वो तो ये तो जस्ट शुरुआत है, उसके आगे आगे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया। यूजुअली हम सुने हैं कि वानप्रस्थ आफ्टर 60 ईयर्स या जैसे आपकी भौतिक संसार से जब ख़त्म होता है फिर हमारी वानप्रस्थ शुरू होता है, उसमें यूजुअली लोग करते हैं ध्यान जगत में आने के लिए, जनरली हमें कहा जाता है। बट हमें पत्री जी का जो मैसेज है, आप घर में भी बच्चों से भी शुरुआत कर सकते हैं, एट द एज ऑफ 3-4 ईयर से आप कोई बच्चा संसार में रहते हुए भी इंसान इसमें रहते हुए भी भौतिक शरीर में भौतिक संसार में तब भी ध्यान जगत में जैसे ही आप साधु संत करते रहते हैं ऐसे ही हम कर सकते हैं। आप सबको आप सारे मैंने जो भी इनकेस आप नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन में आप कन्वर्ट हो जाइए और बाकी जैसे हम भी इंसान हैं, हम कहा जाता है कि भगवान अवतरित होते हैं संसार में इंसान की रक्षा के लिए, तो इसे ही जानवर कीड़े मकोड़े सबके लिए भी उनकी भी है आत्मा है, उनकी अपनी कर्म हिसाब से शरीर मिला है, वो भी चाहते हैं कि वो शांति से और सुख से मिले रहे। हम इसे उन्हें काट के खाना नहीं खाना चाहिए
और हमें वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। शुरुआत यहीं से शुरू करें, फिर हर किसी को टाइम मिले एटलीस्ट जो इनकी एज है, सपोज 20 इयर्स के एज है तो 20 मिनट के मिनिमम होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और जो एज हिसाब से 70 साल के तो अप टू 70 मिनट्स के आपको ध्यान करना चाहिए मिनिमम। धन्यवाद पीएमसी हिंदी चैनल, आपकी माध्यम से ये घर घर में ये प्रचारित होते रहेगा ध्यान जगत की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया।